चलो तो आज मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके कम से कम केमिस्ट्री में 2 से 4 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अब उसको हम कहते हैं नामकरण, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है नाम बनाने में। तो आज हम उसी टॉपिक को सीखेंगे, आज उसका बेसिक क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं IUPAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सर्वमान्य होती है सभी जगहों के लिए। तो अब इस नामकरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें उन बेसिक पॉइंट को लेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और उनका नाम होता है ब्रोमो, जिसे हम BR लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है Cl, जिसे हम कहते हैं क्लोरो। उसके बाद F, जिसे हम कहते हैं फ्लोरो। और उसके बाद आता है I, जिसे कहते हैं आयडो। इसे IUPAC नामकरण का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राजा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले अगर किसी की आवश्यकता होगी तो वो होंगे राजा। अब इसके बाद हमें जिसकी आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं हम, कि हमें कुछ संरचनाएं आपको इस प्रकार से मिलेंगी, जैसे कि CH2 और इस हिसाब से CH2, और तो इस हिसाब की संरचनाओं को जिसमें पूरा एक चक्कर बन रहा हो। अगर पूरा एक चक्कर बन रहा हो तो उसके लिए हम एक नाम लिखते हैं, जिसे कहते हैं चक्रीय या फिर साइक्लो। चक्रीय या साइक्लो। इसे IUPAC नामकरण का मंत्री भी कहते हैं, कि जब इसकी आवश्यकता होगी तब इसको हम लगाएंगे, अन्यथा इसको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला, और मुख्य कार्बन श्रृंखला को हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसके लिए सबसे पहले हम नाम लेंगे मैथ, इसके बाद एथ, तीसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रॉप, ब्यूट, पांच के लिए इस्तेमाल करेंगे पेंट, छः के लिए इस्तेमाल करेंगे हेक्स, सात के लिए इस्तेमाल करेंगे हेप्ट, आठ के लिए इस्तेमाल करेंगे ऑक्ट, नौ के लिए इस्तेमाल होगा नॉन, और दस के लिए इस्तेमाल होता है डेक। ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। इसके बाद हमें एक और चीज़ लेनी होती है, जिसे हम कहते हैं संघ, या फिर इसको हम कह सकते हैं समूह। समूह किस प्रकार के हैं? ये सभी को एक साथ लेकर कार्य करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक समूह है जिसे हम कहते हैं OH, और इसका नाम होता है ऑल। ये हमारे चलो तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जो बहुत ही इजी और बेसिक है, जिसे हम कहते हैं CH4, और इसका नाम होता है मैथेन। तो अब इसको हम बनाकर देखते हैं, क्या ये मैथेन ही बनकर आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्बन श्रृंखला दे रखी है, इस हिसाब से H, इसमें हम हाइड्रोजन भरेंगे। अब ये कौन सा कार्बन नंबर है? कार्बन नंबर 1।
ये है कार्बन नंबर वन। अब तो कार्बन वन के लिए हमें एक शब्द दे रखा है मैथ, क्या दे रखा है मैथ, तो हम यहां पे नाम डालेंगे मैथ का, बंद कर दे। तो ये हाइड्रोजन व्यवस्थित की गई है, उसके बाद हमने इसको प्रथम नाम दिया है, तो सी वन के लिए होता है मैथ, पहले कार्बन के लिए होता है मैथ। उसके बाद इसमें हमें जरूरत पड़ती है बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे रखा है, सभी पूरी कार्बन श्रृंखला व्यवस्थित है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हम यहाँ पे शब्द लगाएंगे एन, तो मैथ के साथ शब्द लगाया जाएगा एन, तो ये नाम बनता है मैथ प्लस एन। तो अब हम समझ गए कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है, तो अब इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम किसी भी IUPAC का नामकरण कर सकते हैं। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस।